गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो वी ह्यूमंस आर द ओनली लिविंग थिंग्स हु कैन अल्टर द एनवायरमेंट टू सूट आवर नीड्स। कहते हैं हम ही ह्यूमन बीइंग्स हैं, सिर्फ लिविंग मतलब ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंट को अपने नीड्स अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं। अवर एक्टिविटीज़ कैन सीरियसली डैमेज द इन्वायरमेंट। कहता हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज़ आर एज फॉलोज। उनमें से कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो दी गई हैं, जैसे कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू मेक स्पेस फॉर सिटीज एंड फॉर्म्स। जैसे जंगलों को काट देना सिटीज़ बनाने के लिए, फॉर्म्स बनाने के लिए, ठीक है। डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, होम्स एंड हॉस्पिटल इनटू वाटर एंड सॉइल। तब वेस्ट जो होता है फैक्ट्रीज, घरों का, हॉस्पिटल का वेस्ट, उसको किसमें, पानी और सॉइल मतलब मिट्टी में जो हम दबा देते हैं या फिर पानी में जो फेंक देते हैं, उससे भी क्या एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है। रिलीजिंग फ्यूम्स फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इनटू द एयर। गाड़ियों से जो क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो हवा में जा रहा है, तो उससे भी क्या हो रहा है, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है। दीज एक्टिविटीज़ हैव हार्म्ड द एटमोसफेयर बाय पोल्यूटिंग एयर, वाटर, लैंड, इरोडिंग सॉइल एंड वार्मिंग द एटमोसफेयर। कहते हैं कि यही एक्टिविटीज़ जो हैं ये क्या कर रही हैं, हमारे एटमोसफेयर को क्या कर रही हैं, हार्म कर रही हैं, ठीक है, प्रदूषित कर रही हैं। जैसे हवा का प्रदूषित होना, पानी का, ज़मीन का, सॉइल का इरोड होना, ठीक है, वार्मिंग ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर का क्या होना, गर्म हो जाना, ठीक है, ये सब क्या कर रही हैं, हमारे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, ख़राब कर रही हैं। देन आता है पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन क्या होता है। कहते हैं पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन एयर, वाटर एंड लैंड विच कैन कॉज हार्म और डिसकम्फर्ट टू ऑल लिविंग थिंग्स। कहते पॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, पॉल्यूशन का मतलब होता है हानिकारक सब्सटेंसेस जो हवा में, पानी में, धरती पर, ज़मीन पर पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, वो सारे क्या हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, पॉल्यूशन है। द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट। और वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हवा में, पानी में, लैंड में हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, पॉल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूशन इज़ अ बिग एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम। कहते हैं पोल्यूशन क्या है, एक बहुत बड़ी एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम है। द मेन काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंटल पोल्यूशन आर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। कहते हैं जो मेन काइंड्स है एनवायरनमेंटल पोल्यूशन की, वो क्या है, सबसे पहले आता है एयर पोल्यूशन, फिर आता है वाटर पोल्यूशन, फिर आता है सॉइल पोल्यूशन और फिर आता है नॉइज पोल्यूशन। अब वन बाय वन हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर क्या है, सॉइल क्या है और नॉइज पोल्यूशन क्या है। कहते हैं एयर पोल्यूशन की, एयर पोल्यूशन क्या है, कहते हैं एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट इन द एयर। हवा में, हवा का दूषित होना, इसका कारण क्या है, जो हवा में पॉल्यूटेंट रिलीज होते हैं, जैसे फैक्ट्रीज धुआं छोड़ रही हैं, वो धुआं हवा मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो हमारे एयर को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। अब ये क्या करते हैं पॉल्यूटेंट, की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कहते हैं ह्यूमन, इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, व्हीकल, गाड़ियाँ, ये सब क्या है, मेजर कारण है किसका, एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन कैन लीड टू इरिटेशन इन आइज, नोज एंड थ्रॉट डिजीज लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर। कहते हैं एयर पोल्यूशन से क्या होता है, आंखों में इरिटेशन, नोज में इरिटेशन, थ्रॉट में इरिटेशन, ठीक है, डिजीज़ हो जाती हैं आँख, नाक, कानों वाली, जैसे अस्थमा हो गया, लंग कैंसर हो गया, ये सब किसके कारण होता है, एयर पोल्यूशन के कारण। देन आता है हमारा वाटर पोल्यूशन, कि वाटर पोल्यूशन क्या है। कहते हैं द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इन द वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। कहते हैं पानी का कंटेमिनेट होना, ठीक है, वाटर बॉडीज में, जैसे कि रिवर्स का, लेक का, पॉन्ड्स का, ओशन का, इन सब का क्या होना, कंटेमिनेट होना, गंदा होना, उसे हम बोलेंगे कि वो क्या है, वाटर पोल्यूशन है। वाटर गेट्स पोल्यूटेड व्हेन वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड फार्म्स एंड सी वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड हॉस्पिटल आर थ्रोन इनटू रिवर, लेक, ओशन एंड स्ट्रीम्स। कहते हैं पानी कैसे गंदा होता है, जब हम अपने घरों का, इंडस्ट्रीज का, फैक्ट्रीज का, हॉस्पिटल का वेस्ट किस में फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं, लेक्स में फेंकते हैं, ओशन में फेंकते हैं या फिर स्ट्रीम में फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूटेड बाय सीवेज कंटेन जर्म्स। अब कहता है जो हम पानी क्या बोल रहे हैं पीते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो हमारा वो पॉल्यूट हो रहा है किसे, जो सीवेज हमारे घरों की मतलब जो जर्म्स हैं,
ठीक है, जो हम पोल्यूटेड बाय सीवेज कंटेन जर्म्स, मतलब पोल्यूट हो रहा है सीवेज के कारण, जिसके अंदर क्या होता है जर्म्स होते हैं, फिर वही पानी हम पीते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। ड्रिंकिंग दिस वाटर कैन कॉज डिजीज सच एज डायसेंट्री, जॉन्डिस और टाइफाइड। कहता है ये गंदा पानी पीने से क्या होता है, डायसेंट्री हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है हमें, और टाइफाइड हो जाता है। सी वाटर इज मेनली पॉल्यूटेड बाय ऑयल स्पिल। अब समुद्री पानी जो है वो पोल्यूट होता है मेनली किसे, ऑयल स्पिल के कारण। इट मेक्स वाटर अनफिट फॉर मेराइन प्लांट एंड एनिमल्स। कहता है ये क्या करता है, ऑयल स्पिल क्या करता है, पानी को अनफिट मतलब फिट नहीं रखता किसके लिए, मेराइन के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ओके, अब आता है लैंड पोल्यूशन की। लैंड पोल्यूशन क्या कहता है, लैंड पोल्यूशन इज कॉज बाय डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट लाइक पॉलीथीन बैग, ग्लास बॉटल्स, मेटल कंटेनर एक्सेट्रा। कहता है लैंड कैसे पोल्यूट हो रही है, जब हम क्या करते हैं सॉलिड वेस्ट जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, ग्लास बॉटल, मेटल कंटेनर्स, ये सब कहाँ करते हैं, फेंक देते हैं जमीन पर। ठीक है, कहते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड बाय फार्मर्स और ऑल्सो कॉज लैंड पोल्यूशन। कहते हैं ज्यादा यूज करना इंसेक्टिसाइड्स का, ठीक है, फार्मर्स जो है किसान यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड खेतों में वो, ठीक है, कि कीड़े वगैरह ना लगे फसलों को, पेस्टिसाइड वगैरह फेंकते हैं, तो ज्यादा यूज करने से उससे भी क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन होता है। लैंड पॉल्यूशन मेक द सॉइल इनफर्टाइल। लैंड पोल्यूशन के क्या होगा कि हमारी सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी, मतलब उपजाऊ नहीं रहेगी। इट एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और इससे क्या होगा, प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी, और अगर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी ऑब्वियसली एनवायरनमेंट जो है वो क्या होगा, पॉल्यूट होगा ही होगा। देन आता है नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन क्या कहता है, लाउड नॉइस फ्रॉम व्हीकल्स, लाउड स्पीकर, मशीनरी कैन हार्म पीपल। ज्यादा नॉइस जो आता है कहाँ से, व्हीकल से, गाड़ियों से, लाउड स्पीकर से, हमारे मशीन से, ये क्या करता है, लोगों को हार्म करता है। इट कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर एंड डीफनेस इन पीपल एंड एनिमल। इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर मतलब ज्यादा लाउड आवाज सुनने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और कुछ एनिमल्स लोग जो है वो बहरे भी हो जाते हैं। लिविंग नियर एयरपोर्ट्स कैन बी वेरी हार्मफुल टू द ईयर्स। एयरपोर्ट के पास रहना कहते हैं हमारे ईयर्स के लिए क्या रहता है, कानों के लिए बहुत ही हानिकारक रहता है, क्योंकि बहुत सारी आवाजें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, इवन लाउड म्यूजिक कॉज नॉइस पोल्यूशन। कहता है ज्यादा जोर से म्यूजिक सुनना, ठीक है, लाउड म्यूजिक सुनना, इससे भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन। जैसे कि शादी में डीजे वगैरह होता है तो उससे भी क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। इट कैन लीड टू इरिटेशन, स्ट्रेस एंड हेडेक। इससे क्या होता है, इरिटेशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है और हेडेक, सर दर्द हो सकती है। बच्चे आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।